तो आज हम लोग पकौड़ा वाटरफॉल जा रहे हैं जो कि बिहार में पड़ता है। चलिए वहां पर मिलते हैं और वहां का ब्लॉग बनाते हुए आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग कोकोलत वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। वहां का लुक किस प्रकार से दिख रहा है। हम लोग सुबह आज 5:30 बजे ही घर से चले थे और इतना जल्दी पहुंच गए। देखिए अभी 8 बज रहे हैं और आगे का प्रोग्राम क्या क्या होगा आगे ही मिलेगा देखने के लिए। चलिए वीडियो में बने रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये सामने जो दिख रहा है वो गेट है। ये बलोरो जो दिख रहा है वो बलोरो से हम लोग आए हुए हैं और इतना सारा लोग हैं। अगर जब बंद रहता तो पुलिस भी नहीं आवे तो कहल जाएगा कोरोना। चलिए दोस्तों, अब आगे का प्रोग्राम हो रहा है। चलिए अब हम लोग आगे मिलते हैं। देखिएगा इस प्रकार से हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता हुआ बना हुआ है। देखिए हम लोग खाने का प्रोग्राम भी लेके चलते हैं साथ में, जहाँ भी पिकनिक जाते हैं खाने का सामान लेके चलते हैं। इसीलिए वहाँ पर प्रोग्राम होगा, क्या क्या बनेगा आप लोग देख ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं। 5 किलो 5 किलो गेट से वाटरफॉल जाने तक लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ते हैं, इसीलिए हम लोग बीच में ही नाश्ता करने के लिए ठहर गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग नाश्ता करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नाश्ता हम लोग लेकर ही आए थे साथ में और तो प्रोग्राम वाला काम तो हो ही रहा है। चलिए अब चलते हैं, नाश्ता हो गया है हम लोग का, अब चलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब ये रास्ता जो दिख रहा है इस तरह लगभग 1.5 किलोमीटर है यहाँ से जाने के लिए। लगभग तो हम लोग पहुँच चुके हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड दिख रहा है कोकोलत जल प्रपात, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग तो पहुंच चुके हैं, ये जो दिख रहा है वो सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। सीढ़ी लगभग 150 से 100 150 होंगे। चलिए अब हम लोग आगे मतलब मिलते हैं। ये झरना जो है नीचे से हम लोग लिए हैं, इसीलिए इस तरह से दिख रहा है। बड़ा झरना हम ऊपर दिखाएंगे, ऊपर में है। चलिए अब आगे थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। यहाँ का पानी बहुत साफ है, कितना भी कुछ हो लेकिन यहाँ का पानी गंदा होता ही नहीं है। देख सकते हैं कि आपको इतना साफ पानी कहाँ मिलेगा। तो देखिए चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं क्या होता है। तो चलिए चल रहे हैं ऊपर। हेलो दोस्तों, आ गए हम कोकोलत झरना के जगह पर। ये जो यहाँ पर हम लोग पीछे साइड हैं, अब यहाँ से हम लोग आपको दिखाएंगे कि झरना किस तरह से दिखता है। चलिए यहाँ का सीढ़ी इस प्रकार से दिखता है जो कि आप देख रहे हैं, इसी प्रकार का सीढ़ी है। ये देखिए पानी इतना साफ है कि आप यहाँ पर कुछ भी पानी के अंदर वाला चीज़ देख सकते हैं। चलिए ये झरना है, ये झरना है जो ऊपर से मतलब गिरते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा ऊपर है, बहुत ज़्यादा इतना ऊपर से गिरते हैं झरना। यहाँ पर हम लोग नहाएंगे, आप देख सकते हैं कि नहाने वगैरह सारा चीज़ हो गए हैं, अब आगे का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। ये देखिए यहाँ से लुक इस प्रकार से दिखते हैं। हम लोग यहाँ छत पर चढ़ गए हैं, वहाँ पर मतलब एक छत है पुराना सा, वो छत पर हम लोग चढ़ गए हैं, वहाँ से ये दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग खाना का प्रोग्राम करते हैं। खाना जो हम लोग बना लिए हैं
की टूट जाए राजा जी, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं आगे वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले मुलाकात में, अगले वीडियो में। ठीक है, बाय, थैंक यू, लव यू।